रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल स्पैगेटी पिज़्ज़ा। तो उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिए, जिसमें वेजिटेबल बनाऊंगी, चिकन की भी आप बना सकते हैं इसको, और कोई भी वेजिटेबल इसमें डाल सकते हैं। स्पैगेटी लिए मैंने आधा पैकेट, मैंने स्पैगेटी लिए, इसको मैंने बॉयल कर लिया था 6-7 मिनट के लिए, उसमें ऑयल लगा दिया था, इसको ठंडे पानी से धो के उसको मैंने ऑयल लगा के रख दिया। इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे 1 टेबल स्पून के जितना, और अगर सराशा सॉस है तो वो डाल दें 1 टेबल स्पून, नहीं है तो चिली सॉस डाल देंगे 1 टीस्पून के जितना। पिज़्ज़ा सॉस लिया है मैंने आधा कप, 4 टेबल स्पून के जितना लिया है। इसके अंदर अच्छा मसाले के लिए चिकन पाउडर मैंने एक साशी लिया था, पूरा एक ले लिया है मैंने, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसमें ओरिगानो ली है 1/4 टीस्पून के जितनी, काली मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, पिसी हुई लाल मिर्च ली है आधा चाय का चम्मच, नमक हसबे जायका लिए मैंने आधा चाय के चम्मच से कम ही नमक है। सब्जियों में मैंने अच्छा, इसके अंदर मैंने सब्जियों में ली है बंद गोभी छोटी सी मैंने ली थी 4 टेबल स्पून के जितनी ली है, और 4 टेबल स्पून के जितना मैंने शिमला मिर्च ली है छोटी सी ली थी मैंने, छोटा सा टमाटर लिया था वो मैंने लिया 2 टेबल स्पून की जितना, प्याज ली थी हरी प्याज उसकी मैंने इस तरह से काट लिया है 2 वो मैंने ली थी, और एक छोटी सी आधी गाजर ली है मैंने, और इसके अंदर हरी प्याज के पत्ते लिए थोड़े से, कोई भी वेजिटेबल्स में डाल सकते हैं। अच्छा, वेनेगर लिया है इसमें मैंने 1 टेबल स्पून के जितना, और अंडे लिए हैं मैंने 3 छोटे हैं तो आप 4 अंडे कर लिएगा, मेरे अंडे बड़े हैं तो मैंने 3 लिए, आप देख लीजिएगा 3 से 4 अंडे ले सकते हैं। बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी प्याज, गाजर, प्याज सारी और टमाटर, ये सारी सब्जियां मैंने इसके अंदर साथ डाल दी है। इसके साथ मैंने पिज्जा सॉस डाल देनी है इसी में 2 टेबल स्पून के जितनी। पिज्जा सॉस मेरी घर की बनी हुई है, मैंने पिज्जा पराठे के साथ आपको बताई थी रेसिपी, देख लीजिएगा मेरी, इसमें पूरी रेसिपी बता चुकी हूँ इसकी। सिरका लेंगे 1 टेबल स्पून के जितना, सॉस लेंगे हम 1 टेबल स्पून के जितना, चिली सॉस या सराशा सॉस हो तो वो ले लीजिएगा 1 टेबल स्पून भर के। तमाम मसाले इसके अंदर, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ, इसको मिक्स करेंगे सिंपल, वो जस्ट इसको मिक्स कर लेंगे, सिर्फ 1 मिनट इसको पकाना है कि ये गर्म हो जाए, इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, कच्चे ही रहने देना है। और मैं इसके अंदर स्पैगेटी भी डाल देती हूँ, ये सारी इसको मिक्स करेंगे, 2 चम्मच आराम से मिक्स करेंगे, इसको और मैं उतार लेती हूँ। तो ये मैं इसके अंदर निकाल ली थी, अब ये सारी के सारी हमें इसके अंदर डाल देनी है, और इसके अंदर अंडा फेंटेंगे, 3 से 4 अंडे लेंगे हम, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो इसके अंदर मुजरेला चेडर चीज़ डालेंगे खूब अच्छी तरह से, हम चेडर चीज़ डालेंगे, अब इस तरीके से हम टमाटर के रख देंगे, टमाटर मैंने इस तरह से काट लिए थे, आप देख लीजिए अपने हिसाब से, इस तरीके से हमने शिमला मिर्च रख देंगे। तो मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ, सिर्फ 5 मिनट इसे बेक करना है 180 पे, मैं डिश आउट कर लिया है, और देखें कितनी अच्छी सी ये हो गई है। इसको बस स्लाइसिस काटें, इसको ठंडा करके थोड़े से स्लाइसिस करें, गर्म गर्म सर्व करें। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।